और खाना भी बड़ा आसान होता है, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब ये जो खीरा गाजर डाइट है, मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए डाइट लेकर आया हूँ ना, ये इतनी आसान डाइट है ना कि आप घर का खाना खाते हुए कैसे वजन कम कर सकते हैं। कोई हैवी डाइट नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। इसलिए डाइट का नाम है कैरेट कोकम्बर डाइट। अच्छा, कैरेट कोकम्बर डाइट क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। पूरी डाइट समझाऊंगा वीडियो आज आपने पूरी देखनी है। बेनिफिट्स बताता हूँ पहले, फिर उसके बाद डाइट समझाता हूँ, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि इससे आप कितना वजन कम करेंगे। 7 डे डाइट है, 7 दिन आपने इस डाइट को लाजमी करना है। अगर आप मेरा कोई डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे हैं तो इसको साथ में ऐड कर लें, ठीक है। सबसे पहले हम कैरेट की बात करते हैं। आपको पता है कैरेट जो है ये कुदरत के खजानों में से एक खजाना है, अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। और गाजर, इतने फायदे हैं गाजर के। मिसाल के तौर पर अगर मैं सामने देखूँ ना, मेरी लिस्ट रखी हुई है, देखिए सबसे पहली बात तो आपकी आंखों की बिनाई को तेज करती है गाजर, ठीक है। दूसरी बात आपका वजन कम करने में मदद करती है। तीसरी बात आपकी स्किन को बेहतर बनाती है। चौथी बात आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं, बहुत सारे वायरसेस से बचते हैं, ठीक है। फिर आपके हार्ट की हेल्थ को सपोर्ट करती है। आपके दिल के अंदर, अल्लाह ना करे दिल की शरियानों में अगर चर्बी जमा हो रही है तो वो खत्म होती है। आपका हार्ट स्ट्रांग होता है, हेल्दी होता है। आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर बनाती है। आपकी डायबिटीज को मैनेज करने में मदद करती है। और साथ साथ आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाती है। कितने जबरदस्त बेनिफिट होगा। और एक और जबरदस्त बात बताता हूँ, अगर गाजर की हम कैलोरीज की बात करें ना, तो 100 ग्राम गाजर में, यानी कि आधा पाव गाजर में सिर्फ और सिर्फ 41 कैलोरीज मिलती हैं आपको। और पता है मजे की बात बताऊं, ये 41 कैलोरीज तो वैसे ही बहुत कम है, लेकिन गाजर खाना, जब आप गाजर चबा के खाते हो ना, इतना आसान नहीं होता गाजर को खाना, चबाना पड़ता है। जिस भी सब्जी को आप ज्यादा चबाओगे आपका तेजी से वजन कम होगा, ठीक है जी। लेकिन गाजर का हलवा नहीं खाना है, सर्दियां हैं। कहीं आप बोले ले भाई, खावर साहब ने तो बोला गाजर खानी है, तो चलो एक एक आधा किलो गाजर का हलवा लाओ, वजन कम करना है, बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे, ठीक है। गाजर कच्ची खाने की मैं बात कर रहा हूँ। पकने के बाद गाजर में वैसे ही थोड़ी सी चीनी का कंटेंट बढ़ जाता है। गाजर को पका के नहीं, कच्चा खाना है, ठीक है। दूसरी बात हम कर रहे हैं क्यूकम्बर यानी कि खीरे की। अगर खीरे के मैं आपको बेनिफिट्स बताऊं ना, सबसे बड़ा बेनिफिट तो एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, अगर आपकी बॉडी में कोई ऑक्सीडेशन हो रही है, अल्लाह ना करे आपकी बॉडी में कोई ऐसा रेडिकल बन रहा है जो कि आपको कोई भी बीमारी, कैंसर जैसी तक बीमारी दे सकता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स उसको जाके मार देते हैं, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स खीरे में बड़े जबरदस्त मिलते हैं, तकरीबन खीरा पानी है, सही है। दूसरी बात, खीरे के अंदर आपको हाइड्रेशन, ऑब्वियसली मैंने कहा पानी है तो आपकी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है। जो लोग पानी कम पीते हैं वो खीरा खाते हैं, उनकी हाइड्रेशन फिर भी बेहतर रहती है, जबकि पानी पीना चाहिए दिन में 2 से 3 लीटर। दूसरी बात, आपका वजन कम करने में बड़ी मदद करता है। मेरा कोई डाइट प्लान ऐसा नहीं होता जिसमें खीरे का जिक्र या खीरा लाजिम नहीं हो। मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊंगा। अच्छा, आपके ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल करता है और बहुत सारे फायदे। और सबसे अच्छी बात बताऊं, 100 ग्राम खीरे में सिर्फ 14 कैलोरीज होती हैं, क्योंकि तकरीबन पानी होता है। और टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है, फायदेमंद भी होता है, और खाना भी बड़ा आसान होता है, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब ये जो खीरा गाजर डाइट है, मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या। आपने करना ये है कि आपने अपनी रूटीन बना लेनी है कि आप जब भी लंच करोगे, आपके घर में जो भी खाना, अगर कोई कहता है कि मैं डाइट नहीं, डाइट प्लान फॉलो कर रहा हूँ तो बेहतरीन है, डाइट प्लान अगर फॉलो नहीं कर रहे तो आपके घर में जो कोई भी खाना बना हुआ है ना, आपने पहले एक गिलास पानी पीना है, उसके बाद एक खीरे के स्लाइसेस करने हैं और वो पूरा खीरा खाना है, ठीक है। वो स्लाइसेस खाओगे उसके बाद खाना खाओगे। ये आपने 7 दिन करना है लंच में, और तकरीबन 3 दिन करना है डिनर में, 1 दिन छोड़ के, सही है। ये काम आप करो, देखो आपका वजन कितनी तेजी से कम होगा। ये काम आपने करना है। दूसरा काम आप गाजर पे आ जाते हैं। गाजर का क्या करना है, जब भी दो खानों के बीच में भूख लगती है ना, जिसको कहते हैं हल्की फुल्की भूख, उसमें वो नहीं लेना जो हल्की फुल्की भूख में लिया जाता है, ठीक है। आपने क्या लेना है, आपने गाजर की स्टिक्स बनानी है, ठीक है। गाजर की स्टिक्स बना के रख लो, फ्रिज में रख लो, नॉर्मली अपने कमरे में रख लो। शाम में आप वो खाओगे, या रात के खाने के बाद अगर आपको भूख लगेगी तो 1-2 स्टिक्स वो खाओगे। सुबह नाश्ते में भी आप खा सकते हो। गाजर को आपने इस तरह इस्तेमाल करना है, वरना अगर दिन में आप खीरा खा रहे हो खाने से पहले, तो रात में गाजर खा लो। ये दो काम करो 7 दिन तक, देखो आपके वेट में कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा। बाकी भी अच्छी चीजें फॉलो कर लो ना, ऑयल कम कर दो, चीनी कम कर दो, और अपना कोई मेरा डाइट प्लान प्रॉपर फॉलो कर लो। मैंने डाइट प्लान पे डिस्काउंट लगाया था, नीचे नंबर लिखे हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। डाइट प्लान फॉलो करते हो तो नथिंग लाइक इट, नहीं फॉलो करते तो हर खाने से पहले 1 गिलास पानी और उससे पहले गाजर या खीरा। ये दो काम करो, ये 7 दिन आप करके देखो, आप बोलोगे क्या कमाल हो गया, मैं सब कुछ खा रहा हूँ, मेरा वजन कम हो रहा है। तो गाजर खीरा डाइट प्लान बड़ा ईजी है, इसको फॉलो करो और मुझे फीडबैक दो। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके मुझसे आप सवाल पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओगे तो इसी तरीके की अच्छी वीडियो, डिस्काउंट, सब कुछ आपको मिलता जाएगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।